नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब लोग अच्छी प्रकार से होंगे। दोस्तों आज मैं मलिहाबाद आया हूँ और हाजी कलीमुल्ला जी जो कि पद्मश्री अवार्डेड पर्सन हैं, उन्हीं की नर्सरी में वो अद्भुत पेड़ जिस पर 370 तरह की कलमें यानी ग्राफ्ट है और उस पर बहुत सारे वैरायटी के मैंगो आते हैं। दोस्तों आज मैं वो पेड़ दिखाऊंगा, विशालकाय पेड़ दिखाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा। जो आप पीछे देख रहे हैं ये वही विशालकाय पेड़ है। तो इससे पहले चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको दिखा सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और मैं पूरा पेड़ कवर करके दिखाने वाला हूँ, कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्राफ्ट हैं, कौन कौन से मैंगो की वैरायटी इस पर आ रही है। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करता हूँ। इस वक्त मैं जो है नर्सरी में आया हुआ हूँ। ये नर्सरी का नाम जैसा कि आप लोग जानते हैं अब्दुल्ला नर्सरी के नाम से फेमस है और यहाँ पर मैं जो आपको पेड़ दिखाने के लिए आया हूँ उसमें 370 तरह के आम लगते हैं। और फिलहाल जो मैं आपको वैरायटी दिखा रहा हूँ बहुत क्लोजअप में दिखाने की कोशिश करूँगा। ये प्लांट देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं आम के। ये सुर्खी है, इसकी वैरायटी जो है सुर्खी है और आप लोग देख लीजिए बहुत ही। आप देख सकते हैं ये मैंगो, मैं इसकी वैरायटी नहीं जानता हूं और ये बहुत छोटा सा पौधा है, बहुत बड़ा प्लांट पेड़ नहीं कह सकता। और दोस्तों एक मैंगो देखिए यहां लगा हुआ है और मैं इस वक्त उसी नर्सरी में हूं। पेड़ है आम का, उसमें 370 तरह के आम आते हैं और इस बार बहुत ही कम आम आ पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि इस बार बताते हैं कि 45 से 46 वैरायटी के ही आम इस जो अब्दुल्ला नर्सरी का जो मैंगो का ये अद्भुत पेड़ जिसको देखने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं और उसमें 370 से ज़्यादा आम की जो वैरायटी है उसको ग्राफ्ट किया गया है, ये अपने आप में ही बहुत विशालकाय है, जिसका की वीडियो मैंने पहले अपने में पब्लिश किया है। दोस्तों ये देख लीजिए, हर तरह की वैरायटी आपको इस पेड़ में मिलेगी क्योंकि ये पेड़ बहुत ही पुराना है। क्योंकि सभी लोग जो सब्सक्राइबर लोग हैं वो यहाँ पर आ नहीं सकते तो इसके लिए मैं खुद ही इस नर्सरी में आया हूँ और ये 370 तरह की ग्राफ्टिंग है। आप देख सकते हैं कि एक टहनी कैसे कैसे गई है, ये देख लीजिए कैसे कैसे जा रही है और इसके फ्रूट भी इतने बड़े बड़े गिर रहे हैं। हर तरह की वैरायटी के फ्रूट इसमें आते हैं और ये प्लांट देख लीजिए और कितना विशालकाय है और इसमें हर साल कुछ ना कुछ नई वैरायटियां ऐड की जाती हैं। और ये प्लांट कितना घना है आप लोग को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और 45 से 46 वैरायटियों के मैंगो इस बार आ पाए। कभी कभी फ्रूटिंग होती है, कभी इसमें कम फ्रूटिंग होती है। तो दोस्तों आपको मैं अभी पूरा प्लांट घूम के दिखाने वाला हूँ, यानी कि ये जो पेड़ है पूरा पेड़ दिखाऊँगा। ये देख लीजिए दोस्तों, हर साल इसमें नई नई ग्राफ्टिंग होती है और इसके लिए जो ग्राफ्टिंग के लिए इनको अवार्ड भी मिला था जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। ये मैं इस पेड़ के दूसरे छोर पे हूँ और आप लोग देख सकते हैं और मैं आम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देख लीजिए, मुझे एक आम यहाँ पर दिखाई दिया है और मैं आप लोग को इसकी वैरायटी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हर साल इसमें देखो एक बिटिया बता रही है अमरपाली है ये तो नाम है। और ये देख लीजिए मैंगो यहाँ लगे हुए हैं, वो किसी और टाइप का था लेकिन ये आम्रपाली मुझे लग रहा है और इसमें बहुत तरह के मैंगो लगे हुए हैं जैसा कि मैं आपको दिखाऊं। आप ये देख सकते हैं ये मैंगो कितने लगे हुए हैं। ये वही पेड़ है जिसमें 370 तरह के मैंगो आते हैं और हर साल नई वैरायटी इस पर कलम की जाती है और कितना खूबसूरत नज़ारा। जो सब्सक्राइबर
इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी दिल खुश हो जाएगा और वो लोग भी यहाँ आके इस प्लांट को देखना चाहेंगे। ये देख लीजिए मैंगो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऊपर भी दिखाना चाहूँगा, हर तरह के मैंगो इसमें आते हैं और इतना विशाल काय पेड़ जिसमें इतनी अलग अलग पत्तियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, दिल बिल्कुल खुश हो गया है। दोस्तों देख लीजिए, बिल्कुल क्लोजअप में एक मैंगो दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। आप लोग को और क्लोजअप में कुछ मैंगो दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख लीजिए एक नई वैरायटी, ये देख लीजिए लगा हुआ है, बहुत अलग अलग तरह के हैं। ये अचार वाला आम है, राम केला, और इसकी पत्तियां देख लीजिए, ये भी इसमें ग्राफ्ट है और बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अपोजिट इन्होंने बहुत सारे आम के पौधे लगाए हुए हैं और आपको मैं ऑल टाइम मैंगो दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर छोटी छोटी अम्मियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ फूल आ रहा है। बहुत छोटा सा ये एक प्लांट है और देखिए ये अम्मियाँ भी लगी हुई हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा जो कि आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ। और ये जो नर्सरी है ये अब्दुल्ला नर्सरी है और बहुत ही बेहतरीन, दिल खुश हो गया इस नर्सरी में आके, और बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्लांट। और इस मैंगो की वैरायटी बता नहीं पाऊँगा कौन सी है, लेकिन इसमें काफ़ी मैंगो लगे हुए हैं। ये ऑल टाइम यानी सदाबहार मैंगो का पौधा है। चीकू के भी पौधे लगे हैं, अंजीर के भी लगे हुए हैं, और ये है नाशपाती, बहुत ही तादाद में नाशपाती इसमें लगी हुई है, क्योंकि ये बहुत ही मीठी नाशपाती है। और देखिए कुछ नाशपाती आप लोग को दिखा रहा हूँ, पक के गिरी हुई है, ये देख लीजिए नाशपाती आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए नाशपाती कितनी खूबसूरत है, और इसमें बहुत ही तादाद में नाशपाती लगी हुई है। थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देख लीजिए ऊपर देख लीजिए, नाशपाती ही नाशपाती, बिल्कुल अद्भुत नज़ारा। तो दोस्तों इस नर्सरी में जो कि अब्दुल्ला नर्सरी के नाम से विख्यात है, देश विदेश से भी लोग आते हैं इस ग्राफ्टिंग को देखने के लिए, उसी के बगल में सब पौधे लगे हुए हैं। शायद ही आपने एक ऐसा पेड़ कभी देखा होगा, ये राजा मैंगो इसको बताया जा रहा है। और इसमें मैं फल भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग देख लीजिए कितना अद्भुत मैंगो, ये देख लीजिए राजा मैंगो, इसमें एक ही फ्रूट इस वक्त मुझे देखने को मिल रहा है, और कितने बड़े साइज का मैंगो है राजा मैंगो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ऐसा मैंगो देखा है कि नहीं। इसमें शायद एक दो मैंगो और भी लगे हुए हैं, क्योंकि पहले इसमें काफ़ी लगे हुए हैं का बता रहे हैं कि लगे हुए थे। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए राजा मैंगो का ये पेड़, क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा मैंगो का पेड़ देखा था? और ये देख लीजिए दोस्तों एक मैंगो आपको क्लोजअप में दिखा रहा हूँ जूम करके, ये देख लीजिए यहाँ लगा हुआ है, और इसमें अन्य कई भी आम लगे हुए थे, लेकिन सीजन थोड़ा डाउन हो रहा है इसलिए इसमें मैंगो अब कम हो रहे हैं। तो आप लोगों को मैं दिखाना था इसकी वेराइटी, और ये देख लीजिए आम पक पक के गिर रहे हैं, कितना बड़ा हो जाता है, ये देख लीजिए राजा मैंगो, ये देख लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये मैंगो,
दोस्तों आज का जो नर्सरी विजिट था अब्दुल्ला नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ पे था। दोस्तों इस वीडियो में मैंने वो प्लांट भी दिखाया जिसमें 370 तरह के ग्राफ्ट हैं, और आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक करने से आपके मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।